अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, खुश आमदेद कहता हूँ जी एक मरतबा फिर आपको। आपका पसंदीदा शो मेरा पाक वतन उसमें हाजिर है और लाजमी सी बात है मैं हाजिर हूँ तो मेरी टीम भी हाजिर होगी। अस्सलामुअलैकुम। ये क्या हमारे पास, आप तो कनाडा में नहीं थे? देखिए जब यहाँ पर धरने का मौसम आता है तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, जब वहाँ पर सर्दी होती है तो उस वक्त हमें यहाँ की याद आती है। ये आप क्या चीज है जी, आप आके यहाँ पे फसाद शुरू कर देते हैं और हमें जीना क्यों नहीं देते? एक दर ये जो निजाम है हम इस निजाम को नहीं मानते। तो फिर जाओ ना। तो सर कौन रहा है, कौन कह रहा है? दिखाए ना मुझे, बताएं क्या है इसकी शक्ल? अच्छा वैसे काला अधवाना मैंने नहीं सुना जी, ये हमारी फिक्की थी, ये कोई मजा नहीं आया। अगली ट्राई करें, अगली ट्राई जी, अगली निजाम को नहीं मानते। देखिए हमारे सियासी कजन ने इस निजाम को बदल दिया है। अच्छा सियासी कजन की तरफ भी ना उतरे। चलें जी अब चलते हैं जी, बाकी मेहमानों की तरफ जाऊंगा जी। मेहमानों में आज हमारे साथ मौजूद हैं, अटक से ताल्लुक है इनका, हल्के में जो है कहते हैं स्टार्स हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं इसके लोग, मलक अमाना साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आपने हमें ज्वाइन किया अटक से, थैंक यू। उनके साथ मौजूद हैं जी फिटनेस एक्सपर्ट कहूँ, ट्रेनर कहूँ, वर्ल्ड चैंपियनशिप लड़ने जा रहे हैं। मैं जब इनका जिस्म देखता हूँ तो मेरी ख्वाहिश होती है कि अल्लाह मुझे भी ऐसा दे, लेकिन लगता है ये अगले जन्म का काम है, इस जन्म का काम नहीं है, मेरे पास की बात नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग काशिफ मलिक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच मलिक साहब। मलिक साहब एक मिनट जी, तालुका साहब, मलिक माना साहब मुझे ये बताएं कि सियासत कैसी चल रही है आजकल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन साहब बड़ी मेहरबानी कि आपने हमें यहाँ टाइम दिया है। सियासत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रही है और हम अपना जो काम है अपने हलके के हवाले से, आपको पता है वहाँ जो भी हमारा है हम अपना रोल अदा कर रहे हैं। खान साहब से मुतमिन हैं? खान साहब से कौन मुतमिन नहीं है, इस वक्त तो मैं समझता हूँ पूरी कौम मुतमिन है और खामोश है, ऐसी कि ऐसी नहीं है जी। अच्छा नहीं आप अच्छा मैं एक बात बताता चलूँ, हमारे जो 90% यहाँ पे ऑडियंस में दोस्त बैठे हुए हैं, 80% कह लूँ वो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, जरा पीटीआई वाले खान साहब की मोहब्बत वाले जरा तालियाँ बजा दें जरा, काफ़ी बढ़िया तादाद है। मैं तो अभी मेरे साथ बैठे हुए थे चंद मेहमान, मैं उनके साथ जब गुफ्तगू पीटीआई की कर रहा था तो मैं बड़ा एग्रेसिव भी होता हूँ, लेकिन इस बार मैं डर रहा था थोड़ा कि ज़्यादा लोग हैं। मलिक साहब फिटनेस की तरफ कैसे रुझान बना, एक लड़का है जो कहता है मैं पढ़ूँ लिखूँ और नवाब बन जाऊँ और नौकरी करूँ, तो ये फिटनेस की तरफ रुझान कैसे? पढ़ाई के साथ हर बंदे का जो है वो कोई ना किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट होती है जी। तो मेरी इन्वॉल्वमेंट जो थी, मैं एक फुटबॉल का प्लेयर था तो बस जिम ज्वाइन किया अपनी फिटनेस के लिए, वहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स मिले, कंपीट करना स्टार्ट कर दिया, तो बस आहिस्ता आहिस्ता फिर 2017 में आप मिस्टर पाकिस्तान लड़े जी और वहाँ पे आपने कांसी का तंगमा लिया। मुझे ये बताइएगा कि ये फीलिंग कैसी होती है जब वो अनाउंस करते हैं द नेक्स्ट नेम इज, और ये वो जब वो पता चला तो वो कैसी फीलिंग थी? देखिए उसके पीछे मेरी 5 साल की मेहनत थी और वो 5 साल एक तरफ और वो जो 5 मिनट थे वो एक तरफ, 5 सेकंड शायद, हाँ जी 5 सेकंड शायद, जिसमें आपका नाम बुलाया जाता है या आप पाकिस्तान का फ्लैग लेके जाते हो, तो वो एक बड़ी जबरदस्त फीलिंग्स होती है। वर्ल्ड चैंपियन लड़ने जा रहे हैं यहाँ पे, दुनिया को जब हम देखते हैं वर्ल्ड चैंपियन, उनकी फिटनेस का मियार, उनके ट्रेनर, उनके 10-10 ट्रेनर होते हैं, एक्सपर्ट जो है खुराक वाला लहदा रखा हुआ है, यहाँ तक कि उनको तो सोने का भी बताया जाता है, पानी के सिप्स का भी बताया जाता है कि कितने उन्होंने कतरे जिस्म के अंदर डालने हैं, तो पाकिस्तान के अंदर रहकर इतने महदूद वसाइल में जब ये जंग लड़ रहे हैं तो क्या लगता है कि कुछ कर पाएंगे इस मुल्क के लिए? देखिए जो प्रोटोकॉल्स मेरे हैं वो भी इस टाइम इंटरनेशनल प्लेयर्स वाले ही हैं सारे, मतलब 24 घंटे में आपको हर एक मिनट का पता है कि आपने इस मिनट में सोना है, खाना है, पीना है, कितना खाना है, सारे प्रोटोकॉल्स वही हैं, तो इंशाल्लाह जो है वो अपना टाइम आएगा इंशाल्लाह। छोटा गोश्त खाते हैं आप? छोटा गोश्त आप खिला दें तो खा लेंगे। यू आर द फर्स्ट वन, अगर आपके अलावा कोई क्या इंटरनेशनल यहाँ पे, हमारे पास मिस्टर एशिया तो थे ही, लेकिन मिस्टर पाकिस्तान या मिस्टर वर्ल्ड कोई बना इसके बाद? मिस्टर वर्ल्ड पाकिस्तान से नहीं बना, लेकिन अब आके पाकिस्तान से अच्छे प्लेयर्स निकल रहे हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो है वो सैयद फजल इलाही हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, उन्होंने जो है वो सिल्वर मेडल लिया है वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो इस साल जो है वो हमारी तैयारी भी है इंशाल्लाह 2022 में आपको मेडल इंशाल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि एक जब प्लेयर उतरता है अपने मुल्क का झंडा लेकर, ओब्वियसली दे आर प्राउड मूवमेंट, लेकिन ये जो प्राउड मूवमेंट होता है इसके पीछे जो एफर्ट्स होती हैं, या काशिफ मलिक फॉर पाकिस्तान, मतलब वो जब रन कर रहा होता है
तब क्या सोच दिमाग में आती है कि मैंने इस धरती माँ के लिए कुछ करना है या अपने लिए कुछ करना है? वहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है या मुल्क की इज्जत इम्पोर्टेंट है? नहीं देखिए, अगर अपने लिए करना होता तो मुझे इस टाइम काफ़ी कंट्रीज से ऑफर है, यहाँ से अच्छे प्रोटोकॉल्स वहाँ पे मिलते हैं, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं तो इतनी ज़्यादा मुश्किल में से गुजर के फिर भी जाके हम पाकिस्तान के लिए कम्पीट कर रहे हैं। मलिक साहब, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, ना इस टैलेंट को प्रमोट किया जाता है। कांसी का तगमा कैसे जीता, मल्ले का चरमैन था, 20,000 उसने दिया, कोई मस्जिद का फलां था, मैं चाइना चली गई, चला गया, वहाँ पे मैंने अपनी वो रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान के तौर पे कराई तो हमने जीते। हुकूमत क्यों सपोर्ट नहीं करती जी हमें ऐसे मामलों में? देखें जी, जिस तरह पहले आपने स्टार्ट इस बात से लिया है कि खान साहब से आप मुतमैन हैं, तो वो तो खुद एक खिलाड़ी हैं और इस वक्त मेरे ख्याल है पूरी कौम परेशान है कि महंगाई इस वक्त अरूज पे है, जिस चीज़ को आप लेने जाएं वो अरूज पे है, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो अभी आपको याद होगा कि अटक का दौरा खान साहब ने किया है तो उन्होंने वहाँ पे भी 10 क्रिकेट के ग्राउंड दिए हैं, मतलब यूनिवर्सिटी देने के बजाय या हमें कोई अच्छा हॉस्पिटल देने के बजाय वहाँ पे भी उन्होंने 10 क्रिकेट ग्राउंड दिए हैं। ये जो आपकी हुकूमत है माशाल्लाह काफ़ी, यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा तो तालियां भी बजी हैं इस हुकूमत में, तो मेरे ख्याल है खेल को प्रमोट किया जा रहा है और बाकी चीज़ों को, क्योंकि ये आपके सामने अभी 4 दिन पहले की बात है, अटक के दौरे के दौरान खान साहब ने वहाँ पर दिए हैं, तो मेरा ख्याल है कि इन लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करनी चाहिए और मेरा ख्याल है ये हुकूमत सिर्फ काम भी यही मलिक साहब हमारे काम तो कुछ हमारी सियासत में मुनाफ़त क्यों है? पहले हम कहते हैं भुट्टो जैसा लीडर नहीं था, फिर हम कहते हैं कि नवाज शरीफ जैसा तो पैदा ही नहीं हो सकता, फिर हम कहते हैं परवेज इलाही ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन और इसने बड़ा मुल्क किया, अब हम कहते हैं इमरान खान। नेक्स्ट चॉइस अगर बिलावल का टाइम आएगा तो हम नहीं कहते इमरान खान, आप अगर कह रहे हैं तो मैं मैं हमारे 90% नहीं, मैं तो इख्तलाफ कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जितने यहाँ पे मेरे पीटीआई के दोस्त बैठे हुए हैं सबको सबका मैं एहतराम करता हूँ और कोई ये नहीं है कि मैं तनकीद कर रहा हूँ। आप अगर बैर गली कूचों में जाके देखें तो इस वक्त पोजीशन ये है कि गरीब आदमी जो है वो बिल्कुल गरीब तर हो रहा है और किसी का कोई पुरसान हाल नहीं है, और तनकीद जो है वो तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, लेकिन तो बात यह है कि जो सूरत हाल आप कह रहे हैं कि जी भुट्टो, अब भुट्टो अल्लाह पाक उनको जन्नत और फिरदौस में अल्लाह मकाम दे, वो उन्होंने अपना रोल अदा किया था, बाकी जो जो आए हैं उन्होंने अपना रोल अदा किया और हर हुकूमत अपना अपना काम करती है, तो मेरा ख्याल है कि वक्त के साथ चीज़ें होती हैं और बंदा करता है, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि अब आप मौजूदा हुकूमत में देख लें कि करप्शन अरूज की तरफ जा रही है, मौजूदा हुकूमत में देख लें महंगाई अरूज की तरफ जा रही है, ये सारे मेरे दोस्त भाई इस बात को एग्री करेंगे। और एक सबसे बड़ा मसला जो मैं ज़रा सा कहना चाहता हूँ तमाम भाइयों को कि जिस चीज़ पे भी कोई अगर पार्टी, कोई बंदा, मैं खुद एक सियासी पार्टी का एक छोटा सा वर्कर हूँ, तो जो ठीक बात हो उसको एग्री करना चाहिए, उसको मानना चाहिए, उसको सुनना चाहिए, तो बिल्कुल जो हटदर्मी वाली बात है वो किसी स्टेज पे भी नहीं होनी चाहिए। और इस वक्त पीटीआई के सारे दोस्त अभी आप उनको मैच देंगे और सारे अपनी अपनी बात करेंगे, इस वक्त मैं समझता हूँ कि मौजूदा वक्त में जितने लोग पीटीआई से तंग हैं, अभी आप देखें सियालकोट का इलेक्शन है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, सियालकोट के इलेक्शन में क्या हुआ है ये सारे दोस्त बता सकते हैं क्या हुआ है, कि नून और पीपल्स पार्टी और बाकी जो जमातें थी तहरीक लबैक, हमारी जमात का तो खैर वहाँ पर नाम भी नहीं लिया गया, तो कहना यह है कि किस तरह वहाँ झगड़ा हुआ। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ है कि 20 आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हो गए हैं, तो ये कहाँ, मैं समझता हूँ कि जी इस वक्त गवर्नमेंट जो है उनको चाहिए कि वो ठीक डायरेक्शन पे काम करें, बहुत सारी चीज़ें ठीक भी कर रहे हैं, अब ये नहीं है कि बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। चले मैं आपकी वो, लेकिन ये एक बात देखें ना, इलेक्शन तो आप मुझे ये बताएं कि करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, हुकूमत का काम है, पंजाब गवर्नमेंट का काम है, तो वहाँ पर ये चीज़ें नजर आनी चाहिए थी। अब आप देखें हमारा वहाँ पर, हम भी देखें सियासी एक बड़ी जमात है और हमारा किसी जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, आपने ये फोरम दिया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि तहरीक लबैक भी एक सियासी जमात है और पूरे मुल्क के अंदर हमारा पूरा एक नेटवर्क है, और मीडिया में कभी आप लोगों ने सुना है कि हमारा सर वो पाबंदियों को, वैसे वो एक मैं जनरल बात कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं इससे वो गरज के जी कोई सर, यहाँ इनकलाब जो आता है ना वो छांट के आता है, पंजाबी में हम जब दूध बोते हैं ना वो कहते हैं तो एक पल्ला सा रख देते हैं या शहद उतारते हैं ना, तो हम अपनी मर्जी का इनकलाब अपने गिलास में चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं?
उजरीवाला मलिक साहब कह रहे हैं कि पीटीआई का मजा नहीं है क्योंकि ये सिर्फ ग्राउंड अनाउंस कर रहे हैं और बाकी चीजें नहीं अनाउंस कर रहे। आप क्या कहना चाहेंगे कि कौन से 3-4 प्रोजेक्ट हैं आपके जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। असल में मसला ये है कि मैं अपने इलाके का कहता हूं जी, मेरे ख्याल में 30 साल से जो काम नहीं हुए थे ना जी, जी वही गवर्नमेंट में 2 साल मसलन को हमें रूरल एरिया में रूमी थी, इसको कोई रोड का इशू और जो इशू थे कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी उस लेवल पे नहीं थे, लेकिन गैस का इशू था। 30 इस्लामाबाद के अंदर हम रहते हैं, अभी 2 महीने पहले हमने गैस जलाना शुरू की है जी। 30 साल में अभी 2 महीने पहले पहला बिल जमा करवाया है, इसी गवर्नमेंट में करवाया है। क्या हम रूरल में रह रहे हैं? इस्लामाबाद के हिस्सा हैं हम जी जी। इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं? आप लेकिन महंगाई का इशू इसलिए हो रहा है कि वो हर बंदा कह रहा है जी जी जी। आगे माइक थोड़ा सा दें जी, माइक दें। अस्सलाम वालेकुम। दस्तरखान बड़े बन रहे हैं जी, बाकी काम भी बड़े पॉजिटिव हो रहे हैं, आप खुश हैं हुकूमत से या कोई मसले मसाइल हैं? मैं सर रीजन का UC-10 का प्रेसिडेंट हूँ, अहदेदार हूँ और एक स्पाई हूँ इमरान खान साहब का, खिलाड़ी हैं साहब का। तो मलिक साहब ने जो बात की है वो अपने साहब से कह रहे हैं, जो ठीक कह रहे हैं उनको किसी किसी तरह मसाइल होते हैं जी जी। लेकिन हमारे इलाके में कोई मसाइल नहीं है, जो अपने काउंसलर साहब ने बात की है, अभी ये हमारे काउंसलर भी हैं इलाके के, हमारी जो जितनी भी यूसियाँ रूरल एरिया की यानी 52 की, उसमें इतने तरक्याती काम हो रहे हैं, पुलियाँ गलियाँ प्लस जो कॉलेज थे अपग्रेड हुए हैं, यूनियन काउंसिल जो जहाँ पे हल्के में दूर थी वहाँ पर नज़दीक लेकर आए हैं यूनियन काउंसिल। हर काम अच्छा चल रहा है, हर काम अच्छा चल रहा है। आगे आइएगा, फिर मैं दोबारा भी आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। पहले तो मुझे आप बताएं ओहदा क्या है आपका और क्या जिम्मेदारियां आप अंजाम दें? मैं UC-70 में एज अ काउंसलर हूं जी जी, और मेरा नाम माजिद अली कुरैशी है। कुरैशी साहब मुझे ये बताएं, सिंपल बताएं जी, क्या अमान साहब जो हैं अली अमान साहब, उन्होंने ये जो अभी इनिशिएटिव लिया है बिजली गैस के इस्लामाबाद के अंदर जो है वो उन्होंने मीटर ऑन कर दिए, ये बहुत लेट नहीं है? 2.5 साल पहले आ जाना चाहिए था। ये आना ही था, उसकी जो बेसिक वजह है वो है मौसम की तब्दीली। अभी मीटरों की मीटर बहुत ज्यादा यूज होना शुरू हो जाएंगे, बिजली की यूजिंग होगी, तो ये तो कदम ले रहे हैं। मैं मलिक साहब के बारे में बात करना चाहूंगा कि हमारे मीडिया को ये चाहिए कि वो तरीके लबैक को उस फार्म पे बोलने का मौका दे। सर मैंने तो कोशिश की है, अल्लाह ना करे मेरा शो बैन हो जाए, मेरे तो शो में पहले भी आते रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पीटीआई से हूं, हम ये चाहते हैं कि हमारे मद मुकाबल जो बंदा है उसे बोलने का हक दिया जाए। सर अपने इख्तलाफ हम सारे लोग रखते हैं, लेकिन दो चीजों को जो लोग इग्नोर कर रहे हैं या ठहराते हैं, खादिम रिजवी साहब की मौकफ पे जो तनकीद करता है, जो खत्म नबूवत पे तनकीद करता है, मेरा ये ईमान है या जब मेरा दिल कहता है कि वो मेरे ख्याल में मुसलमान नहीं है, जो उनका अकीदा था जो उनकी पर्सनैलिटी थी, मैं उन्हें और बोल रहा हूँ कि वो खत्म नबूवत की बात हो, उनकी चीज़ें वो स्पेसिफिक बात पे बोलते थे, उनको घुमा फिरा के बात करनी नहीं आती थी तो तब हमें हज़म नहीं हुई वो बातें। लेकिन इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी से किसी ने पूछा कि आप में और हम में फ़र्क क्या है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जनाजे और हमारे जनाजे फ़र्क बता देंगे। तो जब खादिम रिजवी साहब का जनाजा था तो पूरी दुनिया ने देखा और उनके जो वो एक नज़रिया था उसको जो है, मैं अब ट्रिब्यूट तो उनको कुछ देने से ला, हमारा ट्रिब्यूट क्लैपिंग ही होता है, तो खादिम रिजवी साहब के लिए मलिक साहब मुझे एक सवाल है, उसके बाद मैंने ब्रेक पे जाना है, पहले ब्रेक लेनी है मैंने। मुझे बताइएगा कि जो नॉर्मल लड़के हैं जो अपने आप को इस तरफ लाना चाहते हैं लेकिन उनको अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं मिलते, पिंडी इस्लामाबाद से भी हो सकते हैं, बाहर इलाके से भी हो सकते हैं, आप ट्रेनर भी हैं, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं, कुछ प्लेटफॉर्म मुहैया हैं उनके? हम जो है ऑनलाइन क्लासेस हमने जो है वो स्टार्ट की हुई है, हमारे ऑनलाइन प्लान्स जाते हैं, मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने में आप अपना लिंक बोल दें, डिस्क्रिप्शन में जरा मैं डाल भी दूंगा, आप अपना इंस्टा वगैरह का लिंक बोल दें। kashif.malik.10। काशिफ साहब आप भी पिंडी का पानी पीते हैं, तो पिंडी का पानी ऐसे भी हो सकता है और पिंडी का पानी ऐसे भी हो सकता है, ये पानी में फ़र्क क्या होता है, डाइट का फ़र्क है या क्या फ़र्क है? पिंडी का जो पानी है ना वो भारी पानी है, वो आप देखेंगे हर बंदे को डाइजेशन का प्रॉब्लम है, तकरीबन 90% लोगों को यहाँ पे डाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो पिंडी का पानी जो ये तासीर है जी जी। मलिक साहब आपकी तरफ आऊँगा, उजरीवाला क्या देखते हैं, इलेक्शन का साल ये है या अगला है? देखें जी इस दौर में कुछ भी मतलब कोई भी चीज़ जो है एक्सपेक्ट नहीं, मतलब आप खुद आप समझते हैं
कि अल्लाह ताला खुश रखे हमारे वज़ीर आज़म साहब को, वो कहते हैं यार जो यू टर्न नहीं लेता वो सियासतदान नहीं है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। शेख रशीद साहब का वज़ीर दाखिला बनना शॉकिंग था कहीं ना कहीं आपके लिए जब ये फैसला सुना? देखें शेख रशीद साहब पुराना एक सियासतदान है और वो कोई भी वजारत उसको दे दें तो वो ज़ाहिर है आपको पता है वो चला लेता है। तो इनका मतलब है मौजूदा हुकूमत ने बहुत सारी वजारतें चेंज की हैं, वहाँ पर वो भी चेंज कर दिए और ये वक्तन फ़वक्तन कर रहे हैं। और ये भी अच्छी बात है अगर कोई अपने टाइम पे काम नहीं कर रहा उसको हटा के। अच्छा आपको ये नहीं लगता कि रेलवे आसान इदारा था लेकिन वजीर दाखिला बहुत बड़ी जिम्मेदारी है? नहीं इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन लेकिन देखे ना बात यह है कि जो मौजूदा हुकूमत है अगर सिर्फ इमरान खान साहब की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि मैं भी उनकी हमायत करता हूँ, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ही ये आ रही है कि जो काबीना में लोग हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको उन्होंने खुद हटाया है और हटा रहे हैं और चीज़ों को चेंज कर रहे हैं और फिर बैर से भी मतलब है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं मैं समझता हूँ कि काम नहीं जब चल रहा होता तो फिर किसी दूसरे को बंदा लगाता है, अब एक बंदा नहीं कर रहा फिर दूसरे को दूसरा, लेकिन ये बात यह है कि ये तजर्बों पर बहुत बड़ा नुकसान होता है। जो सेनेट का इलेक्शन है उसमें आप किस जमात की हमायत करते हैं, क्या पीटीआई का मौकफ ठीक है नून लीग? हमारी तो अपनी जमात है और नहीं उनका मौकफ क्या मौकफ हमारा? देखिए मेरी बात सुने, हमने तो हमारे सिंध में तीन लोग हैं हमारे सूबाई असम्बली के, हम अपना बंदा खड़ा किया और हम उसको करेंगे, बाकी ये है कि हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, पीटीआई वाले पीपल पार्टी वाले अब वो जो पीडीएम बनी हुई है वो अब एक खिचड़ी सी बनी हुई है और सारे उस खिचड़ी में। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं थ्रेट भी है इस जमात को इसके साथ पीटीआई को पीडीएम के साथ थ्रेट हो सकता है कि ये हुकूमत जब वो कहते हैं इदारे और हम एक पेज पे हैं तो हमें कोई थ्रेट नहीं है? देखिए बात यह है कि अब इदारों को इदारों का अपना एक काम है और इदारे अपना अपना काम कर रहे हैं और चाहिए भी यही कि इदारे अपना अपना काम करें, बाकी जो है ये जमहूरी अमल और इसमें जो हुकूमत है और बाकी चीज़ें उनमें इदारों को बीच में शामिल करना मैं नहीं समझता। हम अपनी तमाम इदारों का और स्पेशली अपनी फ़ौज का हम एहतराम करते हैं और ये वो इदारा है कि जो हर मुश्किल में हमारी हर मुश्किल में फ़ौज हमें काम आती है, आपका जलजला हो आपका कोई सैलाब आ जाए कोई प्रॉब्लम हो जाए अल्लाह ना करे तो फिर तो इदारों को इस इलेक्शन में घसीटने की ज़रूरत मेरा ख्याल। आपको नहीं लगता कि टीएलपी के लिए ये आप लोगों को पेपर्स देने चाहिए सोशल मीडिया पर पाबंदी मीडिया पर पाबंदी या आपको थोड़ी मौक़ में नरमी पैदा करनी चाहिए, जो आपका मौक़ है वो मौक़ थोड़ा सा सख्त है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया और मेरे दिल की बात की, मैं आपको बताऊँ कि हम फ्लेक्सिबल हैं, हम एक सियासी जमात हैं, हम सूझबूझ रखते हैं, लेकिन जिस जगह पे जाके नमूसे रसालत की बात आती है ख़त्म नबुव्वत की बात आती है तो वहाँ पे किसी भी मुसलमान को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और हम किसी सूरत पे भी उस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, बाकी तो हर जगह पे हम फ्लेक्सिबल हैं, मतलब सियासत में अगर आप हमारे साथ कहीं भी बैठे किसी टेबल पे बैठे किसी टीवी शो पे किसी जगह पे हम बैठने को तैयार हैं, लेकिन जहाँ पे देखे ना ख़त्म नबुव्वत पे आप कभी आयरलैंड का कोई मालून खाके बनाना शुरू कर दे कभी कभी कोई फ्रांस का बनाने शुरू कर दे तो फिर सब लिबरल दौर है, मैं लानत भेजता हूँ ऐसी लिबरल होने पे जिसमें सरकार की शान की बात हो और इंसान चुप रहे, लेकिन लिबरल दौर ये कहता है कि तनकीद बराए तनकीद नहीं तनकीद बराए इसलाह हो। इसलाह का तरीका क्या है कि मैं बड़ी मुश्किल अल्फाज ये अदा करने जा रहा हूँ, हज़ारों लोग इख्तलाफ भी कर सकते हैं, मैं कहता हूँ शिया सुन्नी देवबंदी हम सबसे पहले मुसलमान भाई हैं, मेरे पास आप भी तनकीद कर सकते हैं, लेकिन हम अगर लड़ाई में पड़ेंगे तो मुल्क में इंतशार होगा आग लगेगी। कभी हमें सिया सुन्नी के नाम पे लड़ाया जाता है कभी हमें सिंधी पंजाबी के नाम से लड़ाया जाता है, आपको नहीं लगता कि हम बंगाल जैसा एक और वाक्या बर्दाश्त नहीं कर सकते? इस्लामाबाद के अंदर आके जब इतना बड़ा थ्रेट होता है कि 50,000 बंदा लाख बंदा इकट्ठा हो जाता है और वो लब्बैक का नारा लगाए या पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए या वट एवर कोई भी नारा लगाए उसका कोई भी मौक़िफ़ हो तो उसको कहीं ना कहीं मुल्क की सालमियत का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जिस नारे की आप बात कर रहे हैं लब्बैक या रसूलल्लाह इसका कोई मतलब फसाद फैलाना नहीं है, लब्बैक या रसूलल्लाह के मैं हाज़िर मेरा माल हाज़िर मेरी जान हाज़िर मेरी औलाद हाज़िर मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, तो हमारे नारे का मतलब किसी के साथ कोई फसाद फैलाना नहीं, पहली बात तो यह। दूसरी बात यह है कि जब कोई खुदा न ख्वास्ता हजूर सरवर कैनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे तो फिर मन सब्बा नबीयन फक्तलूहू फिर उसको काट के रख दे और ये क्यामत की सुबह तक यही बात है आज भी यही बात है फिर भी हुजूर वाला
जी हमें फिटनेस का भी ख्याल रखना है। और नाज़रीन बिकार थोड़ा सा लंबी बात करूंगा, यहाँ पे पीटीआई के भी दोस्त मौजूद थे, मलिक साहब का ताल्लुक तहरीक लबैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान से है और मलिक साहब भी मौजूद थे। हुज़ूरवाला सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर जो था वो कमाल का दौर था। हम वहाँ पे टेक्नोलॉजी से वाकिफ तो नहीं थे, लेकिन हमें बताया गया कि वहाँ पे सेहत को ख्याल रखना भी मुसलमान का फ़र्ज़ है। कहा जाता है सफाई निस्फ ईमान है, तो सफाइयाँ बड़े जिस्म की भी एक सफाई होती है। हम लिबरल हो सकते हैं, लेकिन मैं इन द सेंस ऑफ दैट थिंक कि सरकार की बात आए तो मैं लिबरल नहीं हूँ। हाँ मैं दहशतगर्द भी हूँ, हाँ इल्ज़ाम जो लगा सकते हो लगा लो। सरकार का जो हमारा कंसेप्ट है ख़त्म नबूवत का, लिबरल हो के खुदारा उसको अपने घरों से ख़त्म ना करें। हम इतने लिबरल ठीक हैं कि हमारी शादियों पे अब लड़कियां भी नाचती हैं, लड़के भी नाचते हैं और हम ख़ानदान को जॉइंट को एक लिबरल का नाम दे देते हैं। हम इतने लिबरल ठीक हैं कि पहले जो पड़ोसी था उसकी हम इयादत करते थे तो आज हमें पड़ोसी का नाम नहीं मालूम। हम इतने भी लिबरल ठीक हैं कि हमारा माँ बाप जो है वो हमारे लिए अहमियत नहीं रखता, लेकिन मोहल्ले वाले हमारे लिए या फेसबुक के फ्रेंड हमारे लिए अहमियत रखते हैं। हम इतने भी लिबरल ठीक हैं कि हम कहते हैं कि सातवें दिन जुमा आता है पढ़ लेंगे, कम से कम मुसलमानियत में तो शुमार होंगे ना। हम इतने भी लिबरल ठीक हैं, हमारा ये जो अकीदा है कि देखने से कुछ नहीं होता, हया है। मर्द अगर कहता है कि औरत पर्दा करे तो वो कहती है अपनी आँख में हया ला। मर्द अगर तनकीद करता है कि घर में बैठ तो वो कहती है मेरी ख्वाहिश नहीं पूरी होती। इतने भी लिबरल ठीक है कि हमारी बहन बेटी आज बाजार की जीनत बन चुकी है। इतने भी हम लिबरल ठीक हैं कि हम हर बात को खुले दिल से तस्लीम करते हैं कि दुनिया कहाँ पहुँच गई और तुम यहाँ पे रुके हो। लेकिन यकीन करें, अगर मुझसे इस लिबरल की कोई डेफिनेशन पूछे तो मैं कहूँगा जवाल। मैं कहूँगा कि सरकार के इकदार को संभाल के, वो बेशक जैसा भी दौर था वो बेशक लिबरल वाला दौर नहीं था, लेकिन आज हम उन चीज़ों को अपना लें तो कहते हैं पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया पे हम हुकूमत भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि हम मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और इंशाल्लाह पूरी दुनिया के अंदर हमें कुछ बातों को समझना होगा, हमें और कुछ बातों को लेकर चलना होगा। हमने अपने आने वाली औलाद को ये मैसेज देना है कि कुरान इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। हमने आने वाली नस्लों को ये ज़रूर बताना है कि सरकार की शान के आगे कोई चीज़ बराबर नहीं है। हमने अपने आने वाली नस्लों को ये ज़रूर मैसेज देना है कि हमारे लिए बादत खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर यही है। और इंशाल्लाह अगर ये करेंगे, इस्लाम के द्वार समझेंगे, बेशक वो तहरीक लबैक का नारा हो या किसी का भी नारा हो, एक ही नारा एक ही मकसद होना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह। अगले शो में मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए दोस्तों के साथ, नई गपशप के साथ। थोड़ा इमोशनल टच हो गया उसमें, इसी ऐसी मजाक में कोशिश करेंगे कि आपको कुछ मैसेज फॉरवर्ड कर सकें। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। टिकटॉक ते तकिया मैं तेनू पहली ही वारी, वेख के अखियां कालिया लैजेंड मैं हारी। टिकटॉक ते तकिया मैं तेनू पहली ही वारी, लैजेंड मैं हारी। मैनू तेरिया अखियां कालिया बढ़िया पसंद आया, शर्मा के वेखण वालिया बढ़िया पसंद आया। एक बार जे पूछे सौ बार मैं दसा, मैनू तेरिया अखियां कालिया बढ़िया पसंद आया। ठीक है, आवाज अच्छी करो। आपकी नजर सोनी ये टोर तेरी, दादा मटक के टोर दी, पूछ ले तू मेरे दिल तो जेड़िया जटक के टोर दी। मैनू जुल्फा तेरिया कालिया बढ़िया पसंद आया, शर्मा के वेखण वालिया बढ़िया पसंद आया। करो कैमरे देंगे रहे हो टीवी है।
टीवी ना शो ने ना बहुत ही शबाश ये वीडियो अपने लिए बाद रही है वो बड़े कैमरे ध्यान ही है ना ते कोई दूजा बेली बनाया कोई नहीं तेरे कन्ना दिया तेरे कन्ना दिया तेरे कन्ना दिया सोनिया वालिया वालिया बड़िया पसंद आया रोमियो आपके लिए तेरे नाल वादा साहिल तेरे नाल मैं नी बैसा अल्लाह गवाह है तैनू नीता से ही दिख क्या मेरिया ए लज पलिया तैनू भी पसंद या शर्मा के वेखण पसंद आया।